والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ عوام سامعي اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز حضرات علماء کرام بزرگان دین عزیز بھائیو بزرگو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کے اندر الگ الگ نوعیت کی استعداد دی ہے اور وہ تمام استعدادیں یہ سب اللہ کی وہ امانتیں ہیں جو اپنے مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے۔ حضرات علماء کہتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات سے نوازا ان تمام صفات کو حضور نے صحابہ میں منتقل کر دیا اور جتنا علم دیا پورا علم آپ نے تقسیم کر دیا اور جتنا اللہ نے جتنی طاقت دی اتنی آپ نے عبادت اور تابعداری میں زندگی گزار کر بتا دی اور آپ نے اس بات کو حجۃ الوداع کے موقع پر حضرات صحابہ اکرام سے اقرار کروایا الا هل بلغت صحابہ آپ اس وقت مقدس مقام میں مقدس جگہ پر مقدس اوقات میں مقدس دنوں میں مقدس ایام پر گزر رہے ہو ان تمام کی صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کروایا یہ مہینہ حجۃ الذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل۔ کیا یہ وقت جو ہم جس پر سے ہم گزر رہے ہیں یہ حج کے اوقات نہیں ہیں؟ کہا بالکل۔ ایک ایک بات کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا رب مبلغ او عام سامع، کہ ایک بات سمجھو کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ دوسری بات، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا وہ بھی تمہارے پاس امانت ہے، آگے تک تم لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جہاں تک لے جا کر تم پہنچاؤ گے جو تمہارے مدعو ہوں گے ان مدعو کا داعی سے کم استعداد والا ہونے کا تصور تمہارے دماغ میں نہ رہے۔
मदऊ दाई से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। रुब मुबल्लगी औ आम सामईन, मदऊ दाई से भी आगे बढ़ जाएगा। तहफ्फुज में, तहकीक में, तबलीग में, तशहीर में, तालीम में, तदब्बुर में, तफक्कुर में, हर एतबार से औ आम सामईन, जो काम आप लोगों ने किया उससे भी आगे का काम वो लोग करने वाले बन जाएंगे। इसलिए तुम अपनी तबलीग में किसी तरह की कमी ना करो, जहां तक जा सको, जिधर जा सको, जिस तक पहुंचा सको पहुंचा दिया करो। चुनाचे ये पेशन गोई थी, ताबईन में अल्लाह ताला ऐसे अफराद को पैदा करेंगे जो तहफ्फुज़े दाइमी का सबब बनेंगे। तबे ताबईन में अल्लाह कुछ ऐसे अफराद को पैदा करेंगे जो शरीयत मोहम्मदिया के दाइमी एतबार से तहफ्फुज़ का जरिया बनेंगे। चुनाचे ताबईन ने अल्लाह ताला की तौफीक से जो कुछ उन अहादीस को जमा करने का निज़ाम बनाया, शरीयत को अमली तौर पर यकजा इकट्ठा किया, तमाम तरह की वो उलूम जो कुछ आपने अता फरमाए उन तमाम उलूम को एक जगह जमा किया, और उस उलूम को जमा फरमाने के बाद मुज्तहिदीन के हवाले किया। फिर मुज्तहिदीन ने अपने इज्तिहाद से फिक्र की तरतीब दी, मुफस्सिरीन ने तफसीर की तरतीब दी, मुहद्दिसीन ने हदीस की तरतीब दी। आज तक जो हमारे पास मौजूद है वो दूसरी तीसरी चौथी सदी की मेहनत है। तो मैं आज करना चाहता हूं, अब क्या इन लोगों के आगे का काम करने से क्या सहाबा इकराम नऊज़ु बिल्लाह उनसे छोटे हो गए? नहीं, इसलिए कि उन्होंने जो काम किया वो सहाबा के तबलीग की वजह से, तालीम की वजह से, तरबियत की वजह से किया, तो उसका सवाब किसे मिला? अंत व मालुक ली अभी का, अरबी शागिर्द जो भी करेगा वो नियत करे ना करे उस्ताद को तो सवाब मिलेगा। ताबईन जो भी किए वो सब कुछ सवाब तो सहाबा को मिला, सहाबा जो भी करेंगे वो सब हुजूर को, तो गोया सवाब के एतबार से, मकाम के एतबार से, दर्जे के एतबार से कम नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह ताला जहां तक ले जाकर इन्होंने तबलीग किया है, अमानत पहुंचाई है, मेहनत की है, कोशिश की है, उसका पूरा पूरा अल्लाह ताला अगले वालों को जितनी मेहनत हम करेंगे और वो जितना आगे बढ़ते जाएंगे सब में अल्लाह पूरा पूरा हिस्सा हमारा आगे रखेगा। तो मैं ये आज कहना चाहता हूँ, तबलीग का काम तीन एतबार से काबिल तवज्जो है। तबलीग तहफ्फुज है, तबलीग तालीम है, तबलीग तशहीर है। तहफ्फुज भी है, तालीम भी है, तहफ्फुज भी है, तशहीर भी है। तबलीग के जरिए से अल्लाह ताला दीन का तहफ्फुज भी करेगा, दीन की तालीम भी होगी, और साथों साथ अल्लाह ताला उसको आगे तक उसकी शोहरत को, उसकी तशहीर को, उसके तवस्सो अल्लाह उसके इर्द गिर्द को वसी करता चला जाएगा। तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह वो तावत और तबलीग का काम हमें अता किया। तो हम लोग हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अल्लाह ने इतना बड़ा काम दिया, इतना बड़ा काम दिया, इतना बड़ा काम दिया, हम इस काम को समझ नहीं सक रहे हैं, कभी कभार अपना सर खुद पीट लिया करो। अरे हमारे दिमागों में ये बातें चढ़ क्यों नहीं रही हैं, ये बातें आ क्यों नहीं रही हैं, इसको हम सरसरी क्यों ले रहे हैं? मौलाना हुसैन ने फरमाया करते थे, अरे भाई दावत का काम छोड़ोगे
देखो छोड़ना दो तरह से होता है, एक एक घर में छोड़ देना, एक एक महल्ले में छोड़ देना, एक एक अपनी जात से ही दावत का काम छोड़ देना। दावत का काम छोड़ोगे अपने नजरों के सामने अपनी औलाद को मुर्तद होते हुए देखो, ये कोई मजाक नहीं। हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का खानदान इस वक्त दीन पर नहीं है। नेशापुर सफर हुआ, हमने पूछा भी इमाम मुस्लिम, कहने लगे इमाम मुस्लिम का पूरा खानदान शिया हो चुका है, कोई इस्लाम पर नहीं। वजह क्या? असलाफ ने मेहनत की, अखलाफ ने नहीं बचाया। हम उंगलियां उन पर नहीं उठाएंगे, हम उंगलियां किन पर उठाएंगे? वमा बादहुम पर। अरे तुम्हारे बड़ों ने जहां तक, जिस सतह तक ले जाकर पहुंचाया, उस सतह से आगे तुम्हें अपने परिवार को ले जाना था, गांव को ले जाना था, उम्मत को ले जाना था, अहबाब को ले जाना था, लेकिन तुमने क्या किया? उनके दी हुई अमानत को पामाल कर दिया। किससे पामाल किया? सुस्ती से। किससे? मस्ती से। किससे? काहिली से। किससे? सही नहज पर मेहनत ना करने से। किससे? माहौल के ना मिलने से। और मेरे अजीज भाई और हजरत उलमाए कराम और बुजुर्गान दीन जो भी यहां बैठे हुए, अच्छी तरह समझो, आसान तरतीब हमारे परिवार को बचाने का, वे हम अपना खानदान से जुड़े हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं, अपने गांव से जुड़े हुए हैं, अपने बस्ती से जुड़े हुए हैं, और हमारे पीछे एक बड़ा तबका है जो हमसे जुड़ा हुआ है। आसान तरतीब, पूरी उम्मत के तबका को दावत से जोड़ दो, इंशाल्लाह नस्लें ईमान पर खातिमा होंगी, नस्लों का खातिमा ईमान पर होगा। एक साहेब के जनाजे में मैं हाजिर हुआ, हाजिरी पर एक अजीब बात कहने लगे एक साथी आकर, कहने लगे हजरत ये जो माशाल्लाह बुजुर्ग का जिनका इंतकाल हुआ है, इन्होंने अपनी हयात में इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, किसी फर्द खानदान को, किसी फर्द खानदान को 4 महीने लगाए बगैर नहीं छोड़ा, सबके 4 महीने लगवा दिया। आज ये जनाजा जितने लोग उठाकर ले जा रहे हैं, आप देखिए सब दाढ़ी वाले, ये भी कितनी कमाल की बात है भाई। जनाजा जो हमारा उठाने वाला तबका है, सब नमाजी, सब दीनदार, सब सुन्नत पर, सब शरीयत पर, कितनी बड़ी सादत वाला जनाजा होगा। जिस तरह गदक में हमारे शागिर्द का जनाजा उठा तो उनके ताया रोने लगे, पूछा के रोने की वजह, कहने लगे मुझे रश्क, काश कि ये जनाजा मेरा होता। क्यों? कुरान को कुरान उठाकर ले जा रहा है। कुरान को कौन उठाकर ले जा रहे हैं बोलो? अरे बोलो कौन? क्या मतलब? हाफिज़े कुरान का जनाजा आ हाफिज़े कुरान के खंदे पर, कब्र के अंदर हाफिज़े कुरान, जनाजा उतारने वाले हाफिज़े कुरान, जनाजा उठाने वाले हाफिज़े कुरान, गुस्ल देने वाले हाफिज़े कुरान, ये रस की बात है। इसकी तमन्ना हर एक के दिल में होनी चाहिए। ये मेहनत के बगैर ऐसा माहौल नहीं बनेगा। उस माहौल को बनाने के लिए दावत, दावत क्या है? एहसास बेदार करने की मेहनत। दावत क्या है? हर एक के दिल में एहसास बेदार करना, ये जाम में नहीं रहना मेरा बेटा आलिम है, ये जाम में नहीं रहना मेरा भतीजा आलिम है, ये जाम में नहीं रहना मेरा पोतरा आलिम है, ये जाम में नहीं रहना मेरा नवासा आलिम है, मेरा दामाद आलिम है, मेरे रिश्तेदार आलिम है, नहीं। बस लोग जाम में रहते हैं, नहीं हमारा भतीजा है ना, उन्हें सब सफरा में रहता मनाना, उन्हें बेरून को जाता, उन्हें साल लगा, उन्हें लगाता उसकी खबर के लिए लगाता। तू क्या लगाया भाई? तेरा बोल, तेरा भतीजा, तेरा भांजा, तेरा चिच्चा, तेरा ताया, वो सब नहीं पूछ रू मैं, तू बोल, तेरी खबर में तू सोता है, मेरी खबर में नहीं सोता हूं। बहरिए अपने अपने खबर में जाएंगे, साथ तुम्हें भी आप लपट लक्ष बोलेगी थी, उन्होंने उनकी उनकी खबर को जा दी, तेरी खबर को तू दे भाई। किधर सुल्तान बुद्ध
तुराचे मुराचे, मेरा बाप शहंशाह था, बादशाह था, शाह था शाह, तुझे क्या मिला मुझे क्या मिला, दोनों भी फकीर हैं। बाबा थे सो जो थे, अपने खबर के लिए उन्होंने कर ले को चले गए, हमें क्या मिला तुम्हें क्या मिला। तो दावत की मेहनत का मकसद जो इज्तिमा होता है, मैं हमेशा कहा करता हूँ, तू बराए फसल करदन आमदी, ना बराए वसल करदन आमदी। तू बराए फसल, तू बराए वसल करदन आमदी, ना बराए फसल करदन। फसल, फसल के माने जुदा करना, वसल के माने जोड़ना। तू बराए वसल करदन आमदी क्या मतलब, आप जोड़ने के लिए आए। आप किसके लिए आए भाई, हम सब किसके लिए आए हैं, जोड़ने के लिए तोड़ने के लिए भाई। हम पैदा होते हैं, रिश्ता कई रिश्ते जुड़ जाते हैं। हम पैदा हुए सबको खुशी, नाना नवासा मुबारक, इधर पोतरा मुबारक, इधर भतीजा मुबारक, इधर भांजा मुबारक, इधर साला मुबारक, इधर भाई मुख्तलिफ दामाद मुबारक, बच्चा पैदा हो रहा, और उधर लोग क्या कहते हैं, दामाद मुबारक, मुबारकबादियाँ बढ़ती कि नहीं बढ़ती। अरे कोई बच्चा पैदा होता है तो मुबारकबादियाँ उन उनकी नस्बतों पर बढ़ती हैं। मुबारक 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 मुबारक, तू बराए वसल कर दे नामदी। बच्चा जब पैदा होता है सबके रिश्ते जोड़ देता है, तोड़ता नहीं। जब मौत होती है तो तब सब रिश्ते कट जाते हैं। बीवी का इंतकाल हुआ, शोहर हाथ नहीं लगा सकता, वसल हो गया। फसल क्या हो गया, तो हमारा जो इज्तिमा होता है वो क्या होता है, जोड़ों का जोड़। ये तमाम जोड़ जो छोटे जोड़, ऑटो ड्राइवरों का जोड़, तबकात का जोड़, मार्केट में जोड़, गली में जोड़, मस्तूरात का जोड़, सब जोड़ों का बड़ा जोड़ इज्तिमा। जोड़ों का जोड़ का नाम इज्तिमा। इज्तिमा किसे कहते हैं, तमाम जोड़ों का इंतहा जोड़। जितने मुराखब हो रहा मुझे, तमाम जोड़ों का मतलब ही क्या है, तमाम जोड़ों का जोड़ क्या है, किसे कहते हैं, बड़ा जोड़। जो जो जहां जहां जोड़ किए उन सब का इंतहा जोड़, तो इज्तिमा होता है। अब उस जोड़ में हम क्या कहते हैं, अरे भाई आओ, सबको हम कहते हैं आओ इज्तिमा, चलो इज्तिमा, चलो इज्तिमा, चलो भाई इज्तिमा का आओ, इज्तिमा का आओ, देखे जाओ जाओ नहीं बोलते। हम क्या कहते हैं, अरे हम सब क्या कहते हैं, आओ कहते हैं, जाओ कहते हैं। हम जाओ कहने वाली जमात नहीं, हम क्या कहने वाली जमात, आओ भाई इज्तिमा, भाई हमारे इज्तिमा को आओ, भाई हमारे इज्तिमा को आओ। तो ये जो आओ है इसमें जोड़ है, जाओ में ये फसल है, फसल तोड़। जाओ भाई तुम्हें, जाओ भाई तुम्हें, जाओ तुम्हें, जाओ तुम्हें, जाओ, जाओ। हम जाओ नहीं बोलते, क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं, हम आओ कहते हैं। आओ कहना जोड़ है, जाओ कहना तोड़ है। आओ कहना वसल है, जाओ कहना फसल है। तू बराए वसल करदन आमदी, हम आओ कहते हैं, क्या मतलब, हम भी चल रहे हैं तुम भी चलो, इसे कहते हैं आओ। हम नहीं आते तुम जाओ, इसे कहते हैं जाओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आओ एंड जाओ। आओ में हम भी शरीक होते हैं, जाओ में हम शरीक नहीं होते। तुम्हें जाओ कहो भाई हमें नहीं आते, ये जाओ, लेकिन आओ में हम भी क्या होते हैं, शरीक होते हैं। आओ तो हम सब आओ की दावत देने वाले, जब आओ कहेंगे तो सबसे पहले दावत में हमारी उमूमियत होनी चाहिए। इन्हों हमारे नहीं, ऐसा उम्मत मोहम्मदिया का कोई तबका नहीं है,
फरमाया करते थे, अरे भाई हमारी हमारी मेहनत उमूमी हिदायत की मेहनत है। बल्कि मौलाना इलिया सर रहमतुल्लाह जो फरमाया करते थे, अरे भाई हमारा काम तो रांड का रोना है। इसका रोना, रांड का रोना। हजरत से पूछा, हजरत इसका मतलब क्या है रांड का रोना? कहने लगे, बस हम तो हर एक के पास अपना दुख सुनाएंगे, अपना दर्द सुनाएंगे और हर एक को अपनी मुआवनत की दावत देंगे। रोना हमारा काम। तो जिन जिस इज्तिमा में जितना रोना होगा, रोना तहज्जुद, उस इज्तिमा में इतनी रूहानियत होगी। इज्तिमा अफराद के जमा करने का नाम नहीं। जो तबका हमारे पहली सफ का तबका है, वो तबका सबसे पहले अल्लाह से जुड़ जाए। ये बात तवज्जो से समझो। जो इंसान अल्लाह से जुड़ता नहीं, उम्मत को अल्लाह से जोड़ नहीं सकता। हजरत मौलाना यूसुफ साहब अली फरमा गए, हमारे काम में तो तहज्जुद वाजिब है, वाजिब। मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह गश्त किया करते थे, रात को देखते मरकज में सब सो रहे। हजरत मशवरे में कहते, भाई अपने हम अपने साथियों को तहज्जुद की तरगीब दें। आजकल भाई वो जमाना, हालांकि वो जमाने में 80% में सबसे पहले मैं मरकज को गया था, मस्तूरात की जमात 80 यहाँ 87 में। मुझे अच्छी तरह होश है कि रात को 10 साल की उम्र थी मेरी, जब रात को आधे से ज्यादा मजमा तहज्जुद में रोता था, पूरी मस्जिद पूछती थी। और यहां पुराने जितने साथी हो तो जानते हैं, अरे पहले जमातें जो जाती थी तहज्जुद में मस्जिद पूछती थी, क्या रोना क्या रोना क्या रोना क्या रोना, क्या इत्तेहाद क्या इत्तेफाक, क्या मोहब्बत क्या ताल्लुक, क्या इकराम क्या एहतराम। जमात जब जुदा होती चीखें निकल जाती है एक दूसरे से जुदा होते हैं। और अब हम भी जा रहे हैं, खाली डकारा की आवाज हाँ, खाली खाने के मशहूर है। रूहानियत खत्म हो गई। मैं हमेशा क्या करता हूं भाई, अल्लाह के रास्ते में चाहे तुम जितने दिन के लिए निकलो, अल्लाह के वास्ते दज्जाल से दूर रहो, दज्जाल से दूर रहो। जितना दूर रहोगे रूहानियत बनेगी। हम किर्गिस्तान में साथियों से कहें, भाई कोई फोन नहीं बात करेगा, ना व्हाट्सएप चेक करेगा, क्या जरूरत, नहीं चेक तो मर जाती, छोड़ो जरूरत नहीं है। दुनिया की खबर की जरूरत, हमें दुनिया से क्या मतलब। हजरत मौलाना यूनुस अंदरी फरमाया करते थे, कुतुब खाना वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। ऐसे थे भी हमारे असलाफ। हजरत मौलाना शेख उल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह के कुतुब खाना शायद कोई देखे होंगे। हजरत का कुतुब खाना, हजरत जहां बैठते थे सिर्फ उतनी जगह पर जगह खाली होती थी, बकिया पूरे किताबें, ये किताब ये किताब ये किताब ये किताब ये किताब। इसी तरह हमारे बुजुर्गों की किताबें भी हुआ करती थी, पढ़ना 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 पढ़ना। मैं साहब व्रत में कितनी देर जिताली में बैठती, दो घंटे सुबह को, 4 घंटे शाम को बैठो, शेख उल हदीस समझ जाते अपने आप को। जी गुलखन इन लोग सब 12 घंटे कुतुब खाने में रहती हो, कितने घंटे, अरे बोलो भाई कितने घंटे, 12 घंटे कुतुब खाने में। और तुम वो 4 घंटे मसल्ले को ये तरीका है बैठने का, तेरे तालीम में बैठने का तरीका वो मसल्ले को, उसके वास्ते
एक हदीस ढंग से नहीं बोलनी है, एक हदीस ढंग से याद नहीं है। क्यों? ये तालीम के बेदबी, मसल्ले मसल्ले को, मसल्ले मसल्ले को। जो तलबा अजीज दौरे हदीस में बैठ कर आए हैं उनके पैरों में देखो गट्टे, कई रातें दौरे हदीस में बुखारी पर गुजर गई, सो गए वैसे ही तलबा। और हम ऐसे बेहिस हैं, खेलने खेलने को चिल्ला लगाते हैं मजाका। हमारी जमातों में हंसना मना था, क्या मतलब? अरे क्या जी है, दिल्ले गया, क्या भी दिल्ले गया, दिल्लेगी से तो रूहानियत खत्म हो जाती है। क्या ये दिल्ले गया, क्या ये मजाका, क्या ये जोक्सा? अरे मोबाइल में जोक्सा देख लेते तो हंसते नहीं क्या? देखना क्यों? दफन करो इसे पहले। अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना चाहते हो, खुद अल्लाह से जुड़े रहो। जिसका कनेक्शन खुद डिस्कनेक्ट हो वो क्या जाकर कनेक्शन देगा? पहले अल्लाह से जोड़ो। आप अल्लाह कहें तो अल्लाह तुम्हारी सुने। अल्लाह का दिल और दिमाग में अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की हमीयत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर बैठ जाए, उसे कहते अल्लाह। अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला हम खुद ना अल्लाह का जिक्र, ना अल्लाह की फिक्र, ना अल्लाह से लो लगा, ना अल्लाह से दुआ, कुछ भी नहीं। आओ भी जमात में जाएंगे, आओ भी जमात में जाएंगे, आओ भी जमात में जाएंगे, क्या जी है, क्या जी है? मसाला नहीं सो और खाना उतरता नहीं। यहाँ फिक की दुआ, फिक की दावत, फिक के गश्ता, गश्ता में दम भी नहीं, दरुद भी नहीं, मुलाकात में दम भी नहीं, दरुद भी नहीं। कब कभी मुलाकात में रोए? बोलो भाई मुलाकात में रोए क्या भाई? मजा दीजिए। अरे भी हमें चाय रेडी रखो। हाँ फकीर आए, खोटोरा पकड़ लो हाथ में, खोटोरा पकड़ लग जाओ, चाय रेडी रखो, बिस्किट रेडी रखो, इडलियाँ रेडी रखो, नाश्ता रेडी रखो। भिखारी बनको तुम्हें गए तो उन्हें कैसे तो रेडी होता, तश्किल उसकी कहाँ होती? हजरत मौलाना सुन से फरमा करते थे, जब तक वो साथी तैयार ना हो उसके घर में खाना बना है। क्यों? खा लोगे अहमियत खत्म हो जाएगी। पहले दावत के बाद दूसरी दावत, दावत से पहले ये घूंट पानी भी नहीं पीना। क्यों? एहसान के तले दब जाओगे, फिर तुम्हारी तश्किल में दम नहीं रहेगी। इससे मेरे भाइयों काम सीखने के बहुत हमेशा भी, और भी सनद से हमारे सनद है ना, डायरेक्ट मौलाना दाऊद साहब से इलास से जुड़ जाती, सो ज़्यादा वास्ते नहीं हमारे। हमारी जो दावत का वास्ता है कितना है, एक कीच एक वास्ता, मियाँ जी मेहराब अन मियाँ जी मेहराब अन इलियास रहमहुल्लाह। हमें सब सिलसिले तो ज़हबी वाले, कौन से सिलसिलतुस ज़हबिया, दो एक वास्ते से डायरेक्ट इलियास अंदली जुड़ जाती है। मौलाना दाऊद साहब, हमने कहा हजरत तोशा कहा कोर्ट से जमात बुलाओ, क्या क्या कहा आपने इनसे, क्या पूछा? क्या पूछा? डंडा उठाकर सर पर दे, बगैर तोशे के चने में गुजारो। मैं भी आओ आ जाएंगे चने में गुजारने का, हजरत बोले सो बुला ले चलेगा जमात को, जाते जाते एक किलो चना ले लो को, उधर आधा किलो घूट ले लो जा को, बैठ को दोपहर का खाना कतरनी 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 कतरनी, शाम का तो सब गोल लुंडे हो गई, हाँ दुबले दुबले थे सो यहाँ सब गोल गोल। अरे माशाल्लाह आप क्या हो गया, सूजन आ गया यहाँ पर सूजन? चले कुछ नहीं वो चने की बरकत है। अरे उसको निकालिए ना, उन्होंने व्यवहार निकाल, अरे निकाल कर चार घंटे हो गए लेकिन उसका असर नहीं निकल रहा है। चना खा को तो थूक तो दिए, वो तो खा लिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे अजीज साथियों, अल्लाह से दिल लगा कर काम करना। हमारे का मरहूम हजरत मौलाना यूनुस साहब, मौलाना यूनुस साहब काकोसी रहमतुल्लाह अलैह, छापी का इज्तिमा था,
दुआ करते 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 बिरहमतिकया अरहमर राहिमीन पर इंतकाल हो गया। आखिरी जुमला जो निकला उनके जुबान से बिरहमतिकया अरहमर राहिमीन, इसने लेके रूह परवाज हो गई। अब अंदाजा लगा वो इंसान जिसका इख्तिताम दुआ पर जिंदगी की हुई हो वो कैसी जिंदगी गुजारा होगा। उन्होंने कहा बेटा सुनो, हमारे अगर तुम उसूल के मुताबिक काम करो, इस काम की पहली सीढ़ी विलायत है, इस काम की पहली सीढ़ी विलायत है, ये समझने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। पहली सीढ़ी विलायत, और हम समझते ही नहीं इस काम को, हम तो काम को खेल समझ रखा है। इज्तिमा करीब है, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, रोए, रूहानियत वाले बनाए, तहज्जुद का अहतमाम करो। अल्लाह का वास्ता देता हूं, सब ख्वाबों की ताबीर सुना रहे थे, हजरत ताबीर सुन रहे, सबके ख्वाब सुन रहे थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर को बहुत दिल के अंदर नौजवान थे, क्या रे अल्लाह मुझे क्या भी ख्वाब दिखता नहीं ना, मैं जाको सुनाना चाह रहा हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब, ये ख्वाब भी दिखता नहीं ना। रात को से बुखारी की रिवायत है, 22 जगहों पर इमाम बुखारी नकल फरमाया, सोए फरिश्ते आए, उठो जी जाएंगे सीधा बुला लग जाको अब्दुल्लाह इब्ने उमर को, बुला लग जा रही जा रही जा रही, इन्हें खुश मेरा झुरी ना मिली, ले लग जाको जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा जा दहलीज पर। इतना बिदक कर, ढक्कन बंद था दहलीज, बिदक कर उठे हैं अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, पसीना 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 पसीना, या अल्लाह क्या ख्वाब देखे। सो दो फरिश्ते बुला लोग जहन्नम के पास चले गए थे ना, अब ये जहन्नम का ख्वाब पब्लिक के सामने सुना सका तो नहीं है, इज्जत रहती क्या। बोलो हल्लो जाको भान के पास से, है तफसा ज़रा हजरत आए तो हमारे भाईजान आए तो ज़रा पूछो क्या किस्सा इस ख्वाब का। तो आए तो पूछा, हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे अब्दुल्लाह बड़ा नेक बंदा है, काश के वो तहज्जुद का अहतमाम कर लेता, हमारी नेकियां हैं, नेक हैं, पाक हैं, कोई शक नहीं, लेकिन तहज्जुद अपनी जगह पर अहमियत के काबिल है, इसलिए हम अपने आप को तसव्वुरी मुकर्रबीन समझने वाले तो हम अपना तहज्जुद का अहतमाम और हमारा काम प्यार से करें, प्यार से मुंह आंखों मुंगुस के सकर के करोनों को स्मेलिंग फेस लाओ। दावत का जो चेहरा है ना वह हशाश बशाश रहता है, गए गए बोले तो क्या जी नो जल्लाद ऐसा आ रही तश्किल को आ रही कतल करने आ रही अरुण जी वहीं काहे तो मैं दुकान में हूँ भैया आरू में क्या अरेस्ट वारंट ले लगा रही हूँ सो तश्किल को जा रही, एक बार जाओ दो बार जाओ तीन बार, उसी प्यार से करो, नाराज नहीं होना। मोहब्बत फातिह आलम, यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, आलम को फतेह करने के लिए क्या होना बोलो भाई, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत क्रिएट करो, अपने अंदर मोहब्बत क्रिएट करो। मोहब्बत से तो हाथी ताबे हो जाती हैं, शेर ताबे हो जाता है, जो दरिंदे परिंदे जब ताबे होते हैं इन्हों को ताबे नहीं होने। बोलो मोहब्बत से बोलो अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, अच्छे हैं आप, अपनी ज़ुबान में मिठास लाया करो। अलग चीज़ें बशीर में नहीं चले तो नज़ीर होना पड़ता है, लेकिन तश्किल में सब नज़ीर बनने की आप ज़रूरत नहीं, नहीं जाओगे तुम्हारा फट जाएगा। जी सुनो जी, हाँ रात को नींद नहीं आती, तबाह होकर तड़पेंगे तुम्हें, ये सो बातें तश्किल में करने की बातें क्या भाई। खंदा देने वाला कौन भी नहीं मिलता, याद रखो खंदा देने वाला नहीं मिलता, तड़प जाना तुम्हें, कौन के भी आता है क्या जनाजे की नमाज को, कौन भी जनाजे ऐसी सो तश्किल में वही दे मत सुनाया करो।
और ऐसे डुप्लीकेट वादे भी मत सुनाया करो, उसके अंदर उम्मीद हद ओवर बढ़ जाए। जिम्मेदारी, मौलाना विश्वनाथ फरमा करते थे, अरे भाई जिम्मेदारियों पर खड़ा करो, जिम्मेदारियों से निभाएंगे। तरगीब पर खड़ा करोगे, नेकियों पर खड़ा करोगे, नेकी इतना मिलेगा, ये मिलेगा। फरमाया नेकियां के मुकाबले में जब नेकी आएगी, इस नेकी को इस नेकी के बदले में छोड़ देंगे। क्यों? उन्होंने दावत नेकियों से समझा, जिम्मेदारियों से नहीं समझा। इसीलिए कहते हैं तरगीबी बात करने की तरतीब अलग है, नेकियों से नहीं जिम्मेदारियों से समझाओ। भाई ये काम हमारी जिम्मेदारी, क्यों? आप आलमी नबी हैं, ता कयामत नबी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलमी नबी होने का हक यही उम्मत अदा करेगी। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इनको बताओ वो हम हैं, अपनी इस्तेदाद के बकदर काम करना। अल्लाह ने माशाल्लाह आपकी इस्तेदाद दी है, ताकत भी है, सलाहियत भी है, हिम्मत भी है, हर एतबार से खूबियां आपके अंदर मौजूद। ये चिल्ला अल्लाह के वास्ते, ये चार महीने बैरून कितना तकाजा है सिफात वालों का। हाँ, दलिंदर दरिया को गया, झिंगे पूरे भिंगे हो गए, कहते बेजा खिस्सा दलिंदर आप बैरून गए तो फायदा होता है क्या? नेक लोग आगे तो बैरून में सिफात बांट को आती, नहीं कहते तो लड़ाई बांट को आती। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम वहां जाएं और हमारे जरिए से नफरत फैले, नहीं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, नीयत करो इंशाल्लाह, दावत की मेहनत मोहब्बत अकीदत और जिम्मेदारी के साथ करेंगे इंशाल्लाह। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तो है ही काम हम करेंगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होंगे, दीगर काम अल्लाह करे। काम हम इन शर्तियां हैं, शर्तिया वमन अस्दक मिन अल्लाह कीला वमन अस्दक मिन अल्लाह हदीसा, शर्त उससे बढ़कर कोई पूरा करने वाला है? उससे बढ़कर कोई पूरा करने वाला? करो भाई, अल्लाह आसान करती, किसी ना किसी की दुआ लगेगी, फिर देखना अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों चमका देंगे। डरो मत, बुजदिल मत बनो, हिम्मत पस्त मत करो, सादी जिंदगी में हमेशा आफियत है। बस ख्वाहिशात छोड़ दे, जिंदगी अल्लाह आसान कर देगा। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, पांच काम जो मकामी है वो तो हम करना है। इस्तेमा के लिए खुसूसन हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं, सब अपना बिस्तर लाकर पहले मस्जिद में डाल दें, करेंगे भी इंशाल्लाह। रात में एतकाफ कहाँ करना बोलो? अरे कहाँ करना? मस्जिद में आकर एतकाफ करना। चिल्ले की जमातें जो गई हैं वो गई हैं, दीगर महल्ले की जमातें, महल्ले की मस्जिदवार जमात, इज्तिमा से पहले ये चिल्ला नुसरत में वक्त लगाओ। इसमें मैं साथियों को कहता हूँ, बे हिजरत वाले चले गए, नुसरत वाले रह गए, हिजरत वाले चले गए, नुसरत वाले रह गए, कहाँ ही घर में ही नहीं, मस्जिद में आना, मस्जिद में आपको बिस्तर डालना, मस्जिद में बिस्तर डालकर आप दिन में काम को जाने जाओ, सीधा आना सो तुम्हें कहाँ, बोलो भाई, अरे भाई कहाँ आना, मस्जिद को आना, मस्जिद में आकर मशवरा फौरन, भाई आओ भाई, आओ भाई क्या भी तकाजा, आज ये गली का हो गया, ये गली की मुलाकात बाकी है, सो जो जो बाकी हैं तमाम पूरे अहले महल्ला को इज्तिमा से पहले कोई फर्द ना छूटे, सबकी तश्कील तीन दिन की हो जाना, जाप आ जाना उन्हों कहाँ। अरे हमारी मेहनत इस तरह हो कि हमारे महल्ले के जितने अफराद हैं इज्तिमा से पहले कम से कम कितने दिन लगा दें, बोलो भाई कितने दिन? तीन दिन, हर हाल में तीन दिन लगा दें। लगा देंगे तो फिर क्या होगा? तीन फायदे होंगे। नंबर एक, काम हम क्या कर रहे हैं वो समझेंगे,
उनको पहले समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। जब क्या कर रहे हैं वो समझेंगे तो साथ देंगे कि नहीं देंगे। अरे बोलो भाई, देंगे कि नहीं देंगे? नंबर दो, जब काम समझ जाएंगे साथ देंगे, चाहे वो कितना वक्त के लिए क्यों ना हो। आधा घंटा दे रही अल्हम्दुलिल्लाह, पौ घंटा दे रही अल्हम्दुलिल्लाह, मजवा जमात में बैठ रही अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम में बैठ रही अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मिनट दे रही अल्हम्दुलिल्लाह, रहबरी कर रही अल्हम्दुलिल्लाह, छोड़ना नहीं। अब हमारे एक एक, एक, एक गली ज़्यादा क्या मालूम, पकड़ पकड़ को छुड़ा दिया हमने। भाई हमें आपको क्या भी मेहनत कम करके नहीं, तबलीग वाले दुनिया में किसी फर्द को मुलाकात के बगैर छोड़ को नहीं। अल्लाह के फजल व करम से दुनिया के एक एक फर्द से मुलाकात तकरीबन बोलो कर चुके हैं। लेकिन औ सब ये तो खूबी, एक गली ज्यादा क्या कर को छोड़ डाल दी आखिर ये थे। कब तक हमारी मुलाकात हुई थी सो बोलो? वो 7 साल पहले, 3 दिन के। हाँ अच्छा कर याद दिलाए सो जी जवान आदमी, इन्हें तुम्हारे साथ 3 दिन लगाया, ठीक है लगाया ना, दीवाने फिरे सका फिरते रहते हमें। जो एक तबका, देखो ये तबका है 50 आदमी, 50 आदमी में 10 आदमी से हमारी मुलाकात 3 दिन में जाकर हो गई। ये 10 को छोड़ डालते, भूल जाती हूँ 10 को, इन्हों 3 दिन लगाए ना। बाबू भाई खैरियत थे अल्हम्दुलिल्लाह, कहें बाबू भाई, यहाँ आओ बाबू भाई, जरा मुलाकात लगाएंगे, लेते रहना साथ पे, उसे छोड़ना नहीं। उसे छोड़ दिए वो 3 दिन का असर 3 घंटे में ख़त्म हो जाता। छोड़ना नहीं, उसे पकड़े रखना। इन्हों तुम्हारे वो ये है, यानी क्या कहते हैं, पूंजी जिस पर आपने मेहनत की है, इनको साथ में रखो मेहनत में। दूसरे 3 दिन की तश्कील के लिए साथ में रखो, इंशाल्लाह इनका अगला 3 दिन पक्का हो जाएगा। तो 3 दिन 10-10 आदमी के पक्के हो गए, फिर इनके ज़रिए से एक एक आदमी के जमातें बनी, तो फिर कितने हो गए, 20 हो गए। फिर उन दोनों मिलकर एक जमात की तश्कील करें, कितना हो गए, 40 हो गए। तो हमारा टारगेट बढ़ते रहना नहीं बढ़ते रहना। हम लोग उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदवार जमात की तैदाद 2001 में अल्लाह के फजल करम से 15 थे, 2008 में अल्लाह का करम है 12 हुए, 2014 में अल्लाह का फजल है फिर हमें 16 हुए, 2018 में अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हम 11 हो गए, फिर हम 2023 में अल्लाह के फजल करम से 15 ही। कितनी अच्छी कारगुजारी, कितनी अच्छी कारगुजारी। कौन तो भी सुनिया तो रपा रप को जलता उसे, क्यों दर्शिया 2011 में शादियाँ थे ना तुम्हारे, कौन कौन थे सो जी, इन्हों 6 जने कहीं हाँ छी कहीं उन्होंस नहीं, जो तुम्हारे मजदूर जमात में 3-4 साल काम कर चुके हैं उनको तुम छोड़े क्यों? अगर वो तुम्हारे साथ रहते, अब मजदूर जमात तुम्हारी 60 अफराद की होती और तुमने क्या किया, पकड़ो छोड़ कर छूटी हुई जमात बढ़ गई। अब क्या हुआ, 2011 में जो जमात मजलवा जमात की थी, अब उनमें से एक फर्द मजलवा जमात में नहीं है। 2023 में पूरी जमात नई जमात। तो हमारा नुकसान हुआ फायदा हुआ? इसलिए मैं तमाम जगहों पर यही गुजारिश कर रहा हूं, सबसे पहले हमारी मुलाकात तमाम हमारे पुराने साथियों की फहरिस्त निकालकर पहली मुलाकात हम उनसे करें। हुआ जरूर हम दोनों में कोई ना कोई बातचीत में नाराजगी हुई होगी, पावा पकड़ लो अल्लाह के वास्ते, तुमने माफ कर दिया भाई, तुम्हें रहे तो दिन का काम होता। मैं जो कुछ मेरी तौहीन आप करें छोड़ो, मैं दिल से वो तमाम तौहीन को निकाल दिया। अल्लाह के वास्ते मस्जिद को आओ, हमें सब मिलकर दिन का काम करेंगे। क्यों, नए नए साथियों को बुला को वो यलकोड़ा को डीएल बनाए तक के हमारे आदि मैयत निकल को वो डीएल को जाको फिर चलाने सिखाओ को एक्सपर्ट बनाए तक के हमारी पूरी मैयत निकल जाती। उससे बेहतर पुराना एक्सपर्ट को बुला को लाइट को पॉलिश कर को कोच को इत्र लगा को बिठा डाले फिर साफ।
उन्हें चढ़ा ले जाते रहता, जाता नहीं जाता भी बोलो, नए कुबला को रेडी करने में आपके 4 साल लग जाएंगे, पुराने कुबला को माफी मांगने में 4 मिनट लगेंगे। 4 मिनट में आपको ये पुराना कारकुन मिल गया। कौन मिल गया? अरे बोलो भाई, कौन मिल गया? कारकुन, जिम्मेदार, तर्जुमान, जमातों को संभालने वाला मिल गया। अब इनको लेकर इस्तेमा की मेहनत शुरू करो, आपकी रफ्तार, स्पीड डबल बढ़ जाएगी। अब उन्होंने आपको चढ़ाते रहना, उनको तुम्हें उतारते रहो। हमारे भाई जान जब से आए, अल्लाह का करम, मस्जिदवार जमात में नूरानियत पैदा हो गई। इन्हों हालांकि एक नंबर के क्रिमिनल माइंड आदमी, उनको मालूम कितने छतरी इन्हों को, फिर भी तुम्हें अल्लाह अल्लाह इन्हों जो राय देना, अल्लाह इनके राय को कबूल फरमाए। वे सब अमल करेंगे क्या भाई? पूछते रहना, उनको चढ़ाते रहना, ताकि दिन का फायदा होता रहे, होता रहे, होता रहे। फिर इंशाल्लाह दीन के जितने हमारे काम हैं इज्तिमा की मेहनत के, अल्लाह तमाम कामों को अल्लाह आसान करेगा। कहने को तो बहुत तफसील उनवान है इज्तिमा की मेहनत। ये मैं परसों में गया, बड़ी खुशी हुई। कहने लगे हजरत, तुम्हारे फार्मूला पर अमल करे, पहले हमारी 2 जमातें निकलते थे, ये महीना 6 जमातें निकले बताए। क्यों? अमीरा की कमी, किसी कमी। अब वो माशाल्लाह पुराने साथी आ गए, उनको चढ़ा को, उनको तस पर बिठा कर अल्लाह को जो इस्तकबाल कर ले, बुरा लगाए ना उनको, आते ही एक दावत। हजरत के इस्तकबाल में क्या रख डाले बोलो? दावत। कंजूसा बन को काम करो, उन को कंजूसा बन को करे तो कौन सा काम भी होता नहीं। जरा सखी बनना, जरा सखी बनना, सखी बनना को तो ओवर सखी बनने की जरूरत नहीं। आखिर में कंगाल हो को जेवरा पूरे बेच को बीवी आपको इन्हें दलिंदर के साथ में रहते नहीं कि वो इस्तेमाल से पहले पूरे जेवरा भेज डाले, ऐसे सब बनो उनको होता। यानी अपनी उस सब के बखदर भाई, इतर है, इतर मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट भी सखावत है। मुस्कुराहट भी क्या है? सखावत। अच्छी बातें भी सखावत, प्यारी बातें सखावत, दोस्ती करना सखावत, तारीफ करना सखावत, ये सखावतें हैं। ये सखावतों के साथ काम करें, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक। कौन कौन करेंगे? सबके हाथ आउट रही का देखो, किसके हाथ नीचे ही ऊपर ही देख ले क्या? अभी अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह आसान। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلف كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطایا سے درگزر فرما بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما خیر کا معاملہ فرما شر سے حفاظت فرما خیر کا معاملہ فرما شر سے حفاظت فرما خیر کا معاملہ فرما شر سے حفاظت فرما یا اللہ ہم میں سے ایک کے اندر اتحاد نصیب فرما اتفاق نصیب فرما یا اللہ ہر ایک کو درگزر کرتے ہوئے تجھے راضی کرنے کے لیے جڑ کر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو کام کی ترکیبیں ہمارا اکابر نے بتائے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بدلنے سے پسلنے سے پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کی گمراہی سے پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم میں شریعے کو ترقی نصیب فرما ترقی نصیب فرما ترقی نصیب فرما ہمارے علم میں ترقی نصیب فرما ہمارے عمل میں ترقی نصیب فرما ہمارے صفات میں ترقی نصیب فرما ہمارے اخلاق میں ترقی نصیب فرما یا اللہ ایک ایک خوبی میں ترقی نصیب فرما یا اللہ ہمارے ساتھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑا مجمع علماء کا ہے اے پروردگار اے پروردگار ہر ایک حاضرین مجلس کے دل میں کیا دکھ ہے کیا درد ہے تو اچھی طرح جانتا ہے میرے رب یا اللہ ہمارے تکلیف کو ہمارے درد کو ہمارے عذر کو ہمارے پریشانی کو ہمارے ایک ایک جو کچھ تقاضے ہیں ہم کسی اور کے سامنے نہیں رکھ سکتے سوائے تیرے کسی کے سامنے بول بھی نہیں سکتے یا اللہ کسی محتاج کا محتاج بنائے بغیر اے
तौफीक अता फरमा, हमारे ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमा, हमारे ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमा, हमारे ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमा। या अल्लाह नेक साले बंदों में शामिल फरमा। या अल्लाह हमारे इश्तफा करीब है, ए परवरदिगार कुछ भी मेहनत हम नहीं कर सके। या अल्लाह, या अल्लाह हमारी जमातें जहाँ जहाँ चल रही हैं खूब उनकी मदद फरमा। या अल्लाह खूब मुसलता फरमा, पूरे आलम में खैर के फैसले फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह जिन साथियों ने नुसरत की जमातों की शक्ल बनाने की कोशिश नियत की है, अल्लाह खूब जमातें नुसरतों के हक में निकलने की और अपने अपने महल में काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह एक फर्द भी ना छूटे, सबको इस्तेमाल लेकर पहुँचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से हम सब के जायज मुरादों को पूरा फरमा। जिन जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, लिखी है, या अल्लाह मुतवक्के हैं, सबके जायज मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह जिन मकासिद हसना के तहत ये जोड़ रखा गया, उस जोड़ में पूरी पूरी कामयाबी नसीब फरमा, पूरी पूरी कामयाबी नसीब फरमा, पूरी पूरी कामयाबी नसीब फरमा। हमारे साथी बहुत बीमार हैं, सेहत दे दे, ताकत दे दे। हमारे साथियों को सेहत दे दे, ताकत दे दे, हिम्मत दे दे, हौसला दे दे। दवाई पर चल रहे हैं, या अल्लाह दुआ दवाई से खुलासी नसीब फरमा दे। जितनी या अल्लाह रूहानी जिस्मानी परेशानियाँ हैं, खराबियाँ हैं, या अल्लाह वो तमाम को दूर फरमा। या अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से हमारे इज्तिमा को कबूल फरमा कर पूरे इलाके में अमन के, हिदायत के, आफियत के, इज्जत के फैसले फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहा व सीना मा काना फासिदा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।